नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के ऐलान के साथ ही बड़ा विवाद शुरू हो गया है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर एमपी से लेकर यूपी तक विवाद छिड़ गया है। यूपी में गुर्जरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाने का फैसला किया था, जिसके लिए खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दादरी आ रहे थे और यूपी के अंदर एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब मिहिर भोज की प्रतिमा लगाने पर यूपी में विवाद हो गया है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उठा क्षत्रिय बनाम गुर्जर का विवाद अब यूपी में भी शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के दादरी में मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा के शिलापट पर सम्राट से पहले गुर्जर लिखवाया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। करनी सेना ने कहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर हैं या राजपूत, ये एक विवादित मुद्दा है, इसलिए मुख्यमंत्री को इस विवादित मुद्दे से दूर रहना चाहिए। ग्वालियर नगर निगम ने शिवपुरी लिंक रोड पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित की। 8 सितंबर को सांसद विवेक नारायण और विधायक सतीश सिकरवाल ने इसका अनावरण किया। इस प्रतिमा के शिलापट पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। क्षत्रिय समाज ने इस पर आपत्ति जताई है। क्षत्रिय समाज के लोगों का दावा है कि राजा मिहिर भोज गुर्जर नहीं थे। उन्होंने कहा है कि अगर गुर्जर शब्द नहीं हटाया तो क्षत्रिय समाज पूरे देश में आंदोलन करेगा। इधर गुर्जर समाज ने सम्राट के गुर्जर होने के दस्तावेज दिखाने का दावा किया है। करनी सेना की ओर से कहा गया है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर हैं या राजपूत, यह एक विवादित मुद्दा है, इसलिए शिलापट पर जाति लिखवाना उचित नहीं है। वह मूर्ति अनावरण के विरोध में 19 सितंबर को बुलंदशहर जिले में खुर्जा सिकंदराबाद विधायक को ज्ञापन देंगे। 5 सितंबर को जाटलैंड मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ महापंचायत किया था। महापंचायत में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव जैसे धार्मिक नारे लगाकर 2013 में हुए दंगे से बिगड़े सामाजिक ताने बाने को सुधारने की कावियात की गई। कहा जा रहा है कि इससे भाजपा के जाट वोट बैंक पर बड़ी चोट पहुंची है। जाट वोट बैंक की काट में भाजपा गुर्जरों को साधने में लगी है। पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय के लोग सम्राट मिहिर को अपना पूर्वज बताते हैं। पश्चिमी यूपी की 25 से ज्यादा सीटों पर गुर्जर समुदाय हिस्सेदारी 20 से 70% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना, डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, तेजपाल नागर, प्रदीप चौधरी और नंद किशोर गुर्जर जीत कर विधानसभा पहुँचे थे। ये पांचों विधायक पश्चिमी यूपी से है। सम्राट मिहिर भोज का राज 836वीं से 885 तक रहा। वो प्रतिहार कन्नौज के शासक थे। उनका साम्राज्य मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। बीजेपी की योगी सरकार ने किसान आंदोलन की काट करने के लिए पहले जाटों को लुभाने की कोशिश की और मिहिर भोज की प्रतिमा के ऐलान के साथ ही गुर्जरों को साधने की कोशिश में जुट गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।